मिस्त्री मकबूल उनके वर्कशॉप में पिछले 5 दिन से हो रही चोरियों से परेशान थे। उन्होंने चोरों को पकड़ने का मन बनाया और रात को जागकर चोरों पर नजर रखी और रात को 2 बजे उन्हें धर दबोचा। जब चोर वर्कशॉप में अंदर घुसे, पानी की 2 मोटर उठाकर ले जाते वक्त वह वर्कशॉप मालिक मकबूल खान, मोहसिन, राजा और सलमान ने चोरों को धर दबोचा और डायल 100 लगाकर पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। एक चोर ने अपना नाम जीतू कुशवा निवासी श्रीराम कॉलोनी बताया है। दूसरे ने अपना नाम बच्ची शहीशपुरा बताया है। अपना तीसरा साथी उस्ताद पवन नाम बताया है। पवन ने ही हमें यहाँ भेजा था। मकबूल का कहना है कि 60 से 70 हज़ार रुपये का ये चोर सामान ले जा चुके हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मकबूल खान मेरा नाम है। कल जो रात में आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या कुछ मामला है? 5-7 दिन से लगातार मेरे यहाँ चोरी हो रही थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आज पूरी रात जग के इन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए, और आखिर वही हुआ। तकरीबन रात के 2 बजे के आसपास ये लोग आए और हमने इन लोगों को रंगे हाथों धर लिया। फिर आपने पुलिस आई क्या? हाँ, पुलिस आई थी, अपडेट डायल किया था। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद में पुलिस आई, पुलिस कस्टडी में ले जाते थाने में। कोई माल चोरी हुआ आपका? हाँ, इससे पहले भी करीब करीब 50-60 हज़ार रुपये का माल चोरी हुआ था मेरा। क्या इससे पहले भी आपके यहाँ चोरी हो चुकी है? मतलब वो तो 10-12 साल पहले की बात थी। उसके बाद में ये 5-7 दिन से लगातार चोरी करने के बाद। तो मतलब कैसा पता चला आपको ये चोर है इसमें? लगातार 5-7 दिन से मेरा माल इस समय मोटरों का काम चल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ 25-30 को किलो के आसपास मटेरियल गोल हो रहा था। कभी मोटर गोल हो रही थी, कभी कुछ गोल हो रहा था। तो फिर हमें एहसास हो गया, हमने कहा कि रंगे हाथी पकड़ा जाए और लगातार पूरी रात जलने पे। पुलिस को आपने सूचना दी तो मौके पे पुलिस आ गई थी? पुलिस आ गई थी 5-7 मिनट के अंदर में। 100 नंबर डायल किया हमने। डायल करने के बाद फिर हमें आश्वासन मिला और 5-7 मिनट के अंदर में आगे अपनी कस्टडी मिली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।